अच्छा मेरा भाई, कैसे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सारे ठीक हो? तो भाई आपको चेक कराता हूँ, मामला है क्या। तो आज यार मामला ये था कि पुराना वाला स्टॉक ना खत्म करना है, इस वजह से भाई थोड़ी सी ये पड़ी हुई है डॉट। और भाई याद है आपको, कुछ दिन पहले मैंने ये पी थी ब्लैक एंड वाइट स्कॉच है, क्या है ये, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो भाई ये 2-2.5 पैक पड़े हैं, मैंने कहा यार आज पुराना मामला खत्म करते हैं। और भाई मेरी मैडम ने आज इंडो चाइना चिकन बना रखा है, क्यों? क्योंकि भाई ये इंडियन चिकन भी लग रहा है और चाइना का भी लग रहा है यार, ये दोनों भाई ये मस्त लग रहा है। और साथ में मेरे पास है भाई बारबेक्यू मायो, बहुत टाइम पहले ले गया था, मतलब बहुत टाइम भी नहीं, कुछ महीने पहले लेके आया था, अभी एक्सपायरी नहीं है, इसे ट्राई करेंगे यार। तो भाई फटाफट से शुरू करते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं ए चुप हो करूंगा जा। मैं सिम्बा। तो आज को यार, आज मैं आपको यार अपनी लव स्टोरी बताऊंगा कैसे थी, लेकिन भाई मतलब कैसे शुरुआत हुई थी और क्या हुआ था उस पे वो बताऊंगा। अरे यार इतना नहीं करते सिम्बा, इसको चुप हो यार। जा सिम्बा बेटे, सिम्बा यार, आज यार भाई आउट ऑफ कंट्रोल हुआ बड़ा भाई, बहुत ज्यादा तंग करता है यार। आज जैसे मैं ऑफिस गया हूँ यार, रात को ये भाई मेरी मैडम का फोन आया, कहती ये निकल गया थुंडी उंडी खोल के खुद से। भाई इंसान ऊपर इतनी ये जैसे चिटकनी होती है, चिटकनी खोल लेता यार खुद से। मैडम ढूंढ रही इसे भाई, रात को इधर उधर गलियों में घूम रही, लेकिन फाइनली मिल गया हमारा बेटा। ए बच्चा मिल गया हमारा। तो भाई इसी खुशी में यार मोटा बैग लगाते हैं पहले। अरे पानी गर्म हो गया यार, मेयोनीज भी खोल लेते हैं यार। अरे थोड़ी खोलिए बापू। यस मेरे भाइयों। ओ भाई मस्त होना है ये तो यार, टेस्ट कर लिया पहले, ये चेक करते हैं यार थोड़ा सा इसमें कौन भी डाले हैं। नहीं वो तो लसन भी ये देखो क्या एक नंबर। और मैं आपको ये बता रहा था तो भूल जाता हूँ बा सिम्बा, कि हमारी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। तो यार मतलब वैसे मीठा बिकॉज़ आई यू मीठा, आई थॉट यू वुड लाइक इट। आई लाइक इट बट आई लाइक स्पाइसी, बस मीठा। व्हाई यू इतना मीठा? पुट टू मच चीनी? चीनी नहीं है सॉस, मुझे लगा चिकन मीठा तो चीनी डाल दूंगी। तो मैं कंपनी में ऑलरेडी मैनेजर था, पुरानी वाली कंपनी है। तो मैडम वहाँ पे एज ए मतलब एक ग्राफ मतलब इनिशियल लेवल पे ज्वाइन किया था इसने, तो मैं ही इसका मतलब मैनेजर था। मेरा तो भाई ये पहली नज़र वाला प्यार था मेरी तरफ से इसका, ये वन साइड लव था भाई। मैडम तो मुझे कांच भी नहीं डालती थी सच में यार। और यार अब ऑफिस में भाई मैं मैनेजर, अब अच्छा भी लगता है यार, लेकिन यार प्यार छुपाई नहीं छुपता है कि छुपता है। ओ सिम्बा इधर आ, सिम्बा प्यार का नाम लिया सिम्बा आ गया। तो ये मतलब ना अभी मेरी अब मैं उसका मैनेजर, और जो ऑफिस का काम भी भाई एकदम टॉप पे रहती थी भाई, बहुत बढ़िया काम करती थी। अब उससे ही मुझे डर लगता था, मैंने कहा यार मैंने कुछ बोल दिया भाई ऑफेंड ले ले, मेरी कंप्लेन कर दे, मैं ही नौकरी से हाथ धो बैठूं। और भाई ये अभी तो यार थोड़ी मतलब तो काफी टाइम हो गया, पहले भाई शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ यू आर अब यार बुद्धि होगी नहीं है तो
You said that you always want to marry me, but I never take it. मैंने इसको ये बोल दिया था कि मैं मतलब तुझे चाहता हूँ, ये वो है, मुझे अच्छी लगती है, तो तुम्हें समझ मैंने ये मत समझ कि मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, ये वो है, क्योंकि यार लड़कियाँ थोड़ा सा हो जाती हैं। I never take it in serious. I thought that you were मजाक बनते। सच में यार ये मजाक में रहती हमेशा, तो फिर मैं थोड़ा माहौल बना था, चिल रहा था, बड़ा कूल डाउन माहौल बना रहा था। तो अब यार ये भाई मजाक में लिया जाए और मैं भाई पूरा सीरियस, मैं भाई पूरा प्यार में अंधा हो गया है? तो अब ये फिर अपने गांव चली गई, मानोगे वैसे हम डेट पे गए हैं ना, कितनी बार डेट पे गए होंगे आप मानोगे? एक बार गए हैं, वो भी हम खाना खाने गए थे, लेट हो गए थे, वो भी भाई मैंने अपनी ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया मैंने, तो अपना तो बेकार ऑर्डर किया, इसका खाना ही मैं खा गया भाई, बड़ा यार कॉमेडी सीन था, अभी तक सुनाती है ये, है ना ना? क्या ऑर्डर किया था हमने, लस्सी मेरी तरह भर भर के आती, ऐसे मतलब हम एक बार मुझे हमारे भाई को बड़ा कन्विंस किया कि ये है वो है भाई, ये हल्की फुल्की मतलब मांगी थी, लेकिन यार कभी एक दिन से बोल शादी के लिए प्रपोज कर दे, तो डाना यू डिड नेवर टेक मी टू मी सीरियसली। देखो यार बोलो, देख रहे हो यार आज सच्चाई निकल रही है। तो अबे यार मैंने घर पे भी नहीं पता, तो I never told my home at home in the place as well, you know? Yeah. Nobody knew about you. So that's the reason, na? I don't take it serious because you guys, na? You guys never do love marriage, always arrange marriage. Who will take it serious, na? You will never go against this one, the parents and all. So I have thought that why will you marry me, na? Later you will marry, you will go for arranged marriage on me, hai na? So why would I spoil my life? दिमाग बहुत पहले से शार्प है। तो अब यार मेरे दिल में क्या है, मैं तो बता नहीं बता, तुम्हारी नहीं कभी फिर भाई ये अपने घर चलेगी, मैं बताऊँ इसे पूछ लो। हाँ बता पता, when we were dating just only like for 3 months we were dating bas 3 mahine fir main bimar ho gayi, theek hai, main bimar itni bimar ho gayi fir main je apne ghar jana, I have to go back hometown, fir mera treatment wahan pe 2.5 saal ho gayi, we were in long distance relationship, we just only in phone video call, bas yahi hai, fir baad mein humne mera kabhi cheat nahi kiya 2.5 saal se ढाई साल लाइक वी वर प्लानिंग लाइक टू बी टुगेदर लाइक वी विल गेट इट, फिर कोरोना आ गई, एक साल कोरोना आ गई, लाइक वी वर स्ट्रगलिंग ना, हमने बहुत स्ट्रगल किया ना, बहुत यार, वी वर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, व्हेन आई वाज हियर एज वेल विद यू लाइक हॉस्पिटल होम वी विल नेवर गो लाइक ऑन अ डे लाइक फॉर मूवी, जैसे कपल्स करते हैं ना बाहर जाके घूमने, ये हार्डली मैंने शादी के बाद हमने मूवी देखी है ना, एक बार बस, दो बार देख रही हो यार, लोग कहते हैं ना कि पैसा खर्चो ये है वो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आपको रियल पार्टनर मिल जाएगा ना आपका, तो भाई कभी भी वो आपके उसमें नहीं जाएगा कि आप उसको क्या गिफ्ट दे रही हो, ये है वो है, गिफ्ट तो इसके मैंने भी दिए वैसे, लेकिन
मतलब उस तरह से कभी कभी इसने जिद नहीं करी, वो कभी हमारे बात हमारे बीच में आई नहीं। ये मेरे साथ है तो यार सब कुछ मेरे पास है, तो मतलब जाने का मतलब यही यार कहते हैं कि पैसा होना चाहिए, ये वो पैसा देखते हैं, वो है ऐसा तभी है जब आपका रिश्ता कच्चा है। ऑब्वियसली यार हमारे टाइम हमारे लाइफ में भी हार्ड टाइम आया है ना, बट कचोर भगवान की जैसे सब ठीक है, मतलब चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, काम करने से हमने कभी पीछे नहीं हटे, काम करते रहे, मतलब कर ही रहे हैं ऑब्वियसली यार, करते रहेंगे। भाई ये स्कॉच का टेस्ट बहुत खराब है, अलग टेस्ट है इसका सच में ना, वी स्ट्रगल अ लॉट है ना, वी नेवर गो आउट फॉर लाइक डेट एंड ऑल मूवी जैसे ये घूमने जगह ये मस्ती करने, वी नेवर डिड दिस थिंग, कभी नहीं किया ना, फिर भी यू आर विद मी ना बिकॉज़ यू लव मी ना बिकॉज़ यू विल नेवर फाइंड अ इट्स अ डेस्टिनी ऑन मी हैंडसम हस्बैंड लाइक मी नहीं अभी चल रहा है, इट्स अ डेस्टिनी ऑन मी इतना स्ट्रगल हो गई, लाइक आई नेवर थॉट लाइक I will be like this. You have seen my condition and all. Nah, nobody say like this thing. I know. Right? Yeah, वैसे भी whatever it's written ना ना only that thing happen. You can't change. You came that. For me two times. ना तूने कभी सुना है कि जगह ना तूने you blindly you came ना over there. Like I was shocked. Like. देख ले कितना प्यार करता हूँ। You came दो बार आई थी, एक बार तो एक्सीडेंट हो गया तेरा। भाई मेरा जो पहली बार आना था इसके साथ, मेरा पैर कट गया था, चार टांके आए थे, इतना बड़ा कट गया था। बैटरी वाले रिक्शे भाई, नो ऑफेंड यार, बट बैटरी वाले रिक्शे यार थोड़ा ऐसे चलाते हैं यार, गड़बड़ करते हैं, अभी को नहीं बात कर रहा कुछ। इतना बड़ा पैर कट गया था मेरा, इतना बड़ा, अभी भी निशान है। अगले दिन सुबह 7:30 बजे मेरी फ्लाइट है, रात को मैंने ऑफिस जाना था, मेरा पैर कट गया, मैं घर आया भाई टांके लगे, मेरा फोन की स्क्रीन भी टूट गई थी, सब मैंने करवा के इमरजेंसी में भाई, मेरे दोस्त की दुकान थी, मैंने कहा भाई फोन फिक्स करवा, मेरे फोन में टिकट थी, रिजर्वेशन थी होटल की, सब कुछ वो करवाया रात को, कैसे ना कैसे देखे पैसे ज्यादा देखे। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, भाई मान ही नहीं रही, यही सोचती थी भाई गाड़ी स्वच्छ भारत का इरादा, तो भाई मेरा भी इरादा था कि मैं जाऊंगा। When you saw me on that time na, my condition, you were about to cry na. था ना? Obviously यार, इसकी तबीयत खराब थी। तो मैं भी यार, इतना बोल के इतने महीने से बोल रहा हूँ मैं जाऊंगा, आऊंगा तेरे पास आऊंगा। मना जाता। एक कमिटमेंट फील होता। मैं आप लोगों को बताती हूँ। I was thinking like to come over। तो मैंने बैठने देती यहाँ पे? नहीं यार। अब तैयार होइए पहले, मेकअप करेंगे। सुबह कौन तैयार करेगी? बहुत मीठा डाला यार आना तूने, इतना मीठा मत बनाया। अरे मैंने मीठे तो मैं पहले बताऊंगी, तो वी वर डेटिंग ओनली फॉर 3 months, आफ्टर दैट आई स्टार्ट फीलिंग सिक एंड ऑल, देन ही पुट मी इन हॉस्पिटल, बस हॉस्पिटल घर बाद में डॉक्टर ने बोला था कि ये बहुत बीमार होगी, तो ये 50-50% चांसेस है, तो लाइक नोबडी इज देयर विद मी, सो वी डिसाइडेड that he will send me home,
इतना पोल्यूशन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो नोबडी इज देयर ना टू टेक केयर ऑफ मी एज़ वेल. तो मैंने बोला था ठीक है, तो मैं रोई थी, ये भी रोई थी. तो इसने बोला था मुझे कि तू जा, तेरी जगह कोई नहीं ले सकती. रख दिनों पर बोल ना बेटा. तो इसने बोला था कि तू जा, तेरी जगह ना कोई नहीं ले सकती. आई विल वेट फॉर यू. मैं रोने लगी जब भी मुझे ये ड्रॉप किया ना एयरपोर्ट पे. Like I can't even carry my luggage. इतनी कमजोर हो गई है यार. इतनी कमजोर है. I was just like 30 kg. 30 kg है यार टाइम पे. I know. तो मैंने ना अपना ट्रॉली उठा नहीं सकती. I was so weak. And then when I board my flight is around 5 o'clock in the morning. I board the flight and then I was sleeping till 8 o'clock. है ना वही डिपार्ट दिस वन अराइवल 8 बजे तक. I was sleeping. फिर बाद में वहाँ से गुवाहाटी टू माई होम टाउन लाइक 4-5 hours बाय कैब. वहाँ पे इतनी बीमार हो गई मैं. तो वहाँ पे पहुँच गई मैं, हॉस्पिटल चली गई. फिर डॉक्टर ने बोला था कि 2.5 years you have to admit in the hospital. मैंने बोला नहीं, I can't be in the hospital for 2.5 years. I have to be in the hospital. मुझे घर जाना है बस. लाइक आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks. आई टेल डॉक्टर आई विल डू द ट्रीटमेंट फ्रॉम होम ओनली. आई कांट बी इन हॉस्पिटल फॉर 2.5 years. यार नहीं कर सकती. तो फिर मैंने बोला था कि मैं घर से ट्रीटमेंट कर लूँगी. फिर एवरी लाइक वंस इन अ वीक आई विल कम एंड विजिट. आई हैव टू. तो फिर मैंने इसको ये बताया. फिर मैंने बोला मैं आऊँगी वहाँ पे. ठीक है. फिर मैंने लाइक आई डोंट टेक इट सीरियस बिकॉज़ ही नेवर हर्ड अबाउट नॉट दिस सक्सेसफुल रिपोर्ट. ना मैंने इतना मतलब किताब में सुना था स्कूल में. यू नेवर इतना नहीं. फिर ये आई थी यहाँ वहाँ पे. आई वाज लाइक सो शॉक. लाइक ही केम ना, ही डोंट इवन नो द प्लेस. ही नेवर हर्ड नॉट हाउ ही कम बाय हिमसेल्फ वहाँ पे. ही केम एंड विजिट. प्यार प्यार प्यार. ओके रियल लव. When he saw me in that condition, like he was literally crying for, I just imagine for 9 months I'm not even eating nicely enough food. I just have only like liquid food. I can't even have solid food. My my stomach didn't digest. So like for completely 9 months, can you imagine? I took injection every day, 9 months. So my hand was just like this on me. I can't open my hand. Critical condition thi. But I can't even open my hands. Like I dekho kaise sherni bani padi aap. You gave me life. Yeah. So, I didn't give you. God give you life. Okay. No, fir jab main fir after like 9 months then I start recovering and all. So फिर डॉक्टर ने देन शी सेड इट्स अ फैमिली डॉक्टर. शी वाज टेलिंग मी लाइक व्हाई यू बिहेव लाइक अ पेशेंट. यू शुडंट बिहेव लाइक अ पेशेंट. यू शुड ड्रेस, यू शुड डू मेकअप, कॉम्ब योर हेयर, टू अप्लाई लिपस्टिक, टू अप्लाई नेल पॉलिश एंड ऑल. यू शुड बिहेव लाइक अ पेशेंट. इफ यू बिहेव लाइक अ पेशेंट यू विल फील लाइक यू आर सिक. बिहेव नॉर्मली. स्टार्ट गोइंग हियर देयर. ये करके फिर लाइक आई स्टार्ट रिकवरिंग माय सेल्फ ना. देन ही ऑलवेज से लाइक यू हैव टू डू इट फॉर मी. यू हैव टू डू इट फॉर मी. Like we will have a nice life, we will be together, saath dinam tak rahegi. You have to have medicine for me na. I, every time you motivate me, yeah. Every day, hai na? He don't even eat food nicely. He don't even eat food nicely and he was like, his hair was this much long. Bahut lambe baal ho gaye the yaar. Obviously yaar tension hoti hai. For like 20, I can't even talk, yeah. I can't even talk and all. He always like call me and just I will just listen your voice. He just want to hear my this one na. Yeah. क्या बोलती है like I'm breathing or not. He just want to hear my breathing. फिर मैं बात नहीं कर सकती. I can't even talk na nicely to you and all. तो यही है. यही ना यार. But फिर बाद में कोरोना आ गई 1 साल. लाइक अगेन वी हैव टू वेट. लाइक व्हाटएवर वी वांट टू डू समथिंग. Whenever we are trying to do something, always happen. Kuch na kuch. We have to struggle on it, na? Yeah. Matlab,
नेक्स्ट डे फ्लाइट है तुम्हारी, रात को कुछ घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है, तुम टांग के लगवा के भाई तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ, फिर भी जा रहे तुम। हां, ऑन दैट टाइम आई कांट इवन इमेजिन, ही गॉट स्टिचेस, लाइक हाउ मेनी स्टिचेस ही गॉट? फोर स्टिचेस ही केम। इतना बड़ा पैर टूट गया ना मेरा, फिर भी मैं गया हूं चप्पल पहन के गया हूं शिलोंग, तो मेरी बॉडी बड़ी सही थी। अभी से गई है? अभी क्या, अभी तो पेट बाहर आ गया खिला खिला के, ये उल्टा सीधा खिला दी मुझे, पेट बाहर करा दिया मेरा। You have to make my stomach like a ab, okay? Abs. अब वो भी family pack बन गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो ये now ना whenever I talk that thing ना to him like याद है हम जो हमने ये happy man दिमाग ये used to get angry over here no don't talk I don't want to remember those things because बहुत time बाद ये like he have seen me that situation. So he never wanted to talk about that. You know, aapke liye matlab obviously yaar apna pyar karte hain. Just imagine na 30 kg. Mm-hmm. I was like 50 something, 56. Okay. Suddenly 30 kg. I tension mat le. Are you tension? Aapko yaar with me. I know. You are a lion, lioness. You are a lioness or not? Mm-hmm. Yeah. Chal theek hai tu abhi hai. Chalo yaar. Bas yahi hai yaar. Matlab chota sa message yahi hai ki bhai प्यार करो तो भाई दिल से करो, शिद्दत से करो, मतलब मत करो। और दूसरा पार्टनर भी तुम्हारा ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि तुम मतलब खुद ही लगे पड़े हो भाई, दूसरे पार्टनर को भी तुम्हारी परवाह होनी चाहिए। अभी कि मैं आपको कलयुग की बातें बता रहा हूँ तो आप भाई दोनों तरफ से थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि दोनों तरफ से पुश रहे। अगर दूसरे की कोई मजबूरी है तो आप पुश करो भाई, ऐसा नहीं कि हम तो PWD में काम करते हैं, ऐसा नहीं है, अब वो खत्म हो गया। थोड़ा पुश करो यार, देखो देख रहे हो ना भाई, पुश करना पड़ता है और आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, अगले का दुख तकलीफ समझना पड़ता है, जितना हो सके साथ देना पड़ता है। बाकी यही है यार, बाकी थैंक यू सो मच यार, बस यार थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग अस एंड डू कीप सपोर्टिंग। बाय बाय बाय। कहाँ जा रही है मैडम? तो गई, और सिम्बा इधर तो घूम रहा है। बाकी यार दाना खाने में क्या दाल है भाई, कसम से चिकन खा, चिकन मैं मतलब खा लूंगा मैं, लेकिन यार दाल और रोटी में जो स्वाद है ना यार, दाल चावल में यार क्या बताऊं यार मैं आपको भाई, प्लीज भाई क्षमा चाहता हूँ यार, कोई गड़बड़ हो गई हो यार, बट यार प्लीज साथ रहो यार, अपने पार्टनर से प्यार करो, आप किसी से भी प्यार करते हो उसे प्यार करते रहो यार, लेकिन यार ये भी देखो कि अगले से भी सपोर्ट आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत पुश बोले ना आपको, दोनों तरह से होना चाहिए यार, तभी मजा आता है लाइफ में। थैंक यू सो मच यार, बस यार साथ रहो यार, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, यही केमिस्ट्री आपको यार मतलब बताते रहेंगे यार, जो है सो है बताऊंगा, कुछ भाई मसाला वसाला कुछ नहीं ऐसा। बाकी यार थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मिलते हैं यार, थैंक यू।